आगे बढ़ते हैं और आयकर विभाग से बड़ी खबर का रुख करते हैं। 281 आईआरएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। इनमें 10 आईआरएस अधिकारियों को एजीटी 2022 के लिए रिटेन किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने ये आदेश जारी किए हैं, तो वहीं सहायक आयुक्त व उपायुक्त स्तर के हैं ये सभी अधिकारी। राज्य में भी तबादला आदेश का बड़ा असर हुआ है, अनेक अधिकारी इधर उधर हुए हैं, तो वहीं विश्वस्त सूत्रों ने ये अहम जानकारी दी है। 22 आईआरएस अधिकारियों का होगा राज्य में आगमन प्रस्थान। 28 जुलाई तक संभालनी होगी नई जिम्मेदारी। भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी योगेश शर्मा के हस्ताक्षर से जारी हुए हैं ये आदेश। तो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा रहे हैं और आपको बता दें, भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी योगेश शर्मा के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी हुए हैं। तो वहीं 28 जुलाई तक नई जिम्मेदारी संभालनी होगी, तो काफी अहम और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो आपको बता दें, आयकर विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 281 आईआरएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। इनमें 10 आईआरएस अधिकारियों को एजीटी 2022 के लिए रिटेन किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने ये आदेश जारी किए हैं। सहायक आयुक्त व उपायुक्त स्तर के हैं ये सभी अधिकारी। राज्य में भी तबादला आदेश का बड़ा असर हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विमल हमारे साथ जुड़ चुके। विमल, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, जो पूरी जानकारी ये है वो यही है कि आयकर विभाग में उपायुक्त और सहायक आयुक्त के स्तर के ऊपर बड़ा फेरबदल हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, जिसे शॉर्ट में सीबीडीटी कहते हैं। सीबीडीटी ने आज थोड़ी देर पहले एक आदेश जारी किया और इस आदेश में 281 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसमें जो तबादला आदेश है उसमें करीब 22 अधिकारी हैं जिन जो राजस्थान में आएंगे और इनमें से कुछ अधिकारी राजस्थान से बाहर भी जाएंगे। राजस्थान आने वाले अधिकारियों में ज्यादातर अधिकारी गुजरात जाने वाले हैं, राजस्थान से गुजरात जाएंगे और कुछ अधिकारी गुजरात से वापस राजस्थान आएंगे। इसी तरह से एमपीसीजी अर्थात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी जो चीफ कमिश्नर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो ऑफिस है वहां से भी राजस्थान में अधिकारी आएंगे। इसी तरह से दिल्ली में राजस्थान आने और जाने वाले दोनों ही तरह के अधिकारी हैं। ये जो तबादला आदेश है, ये तबादला आदेश क्योंकि इस सहायक आयुक्त और उपायुक्त एक फंक्शनिंग आर्म होता है आयकर विभाग की, इसलिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे कि हमारे पास तबादला आदेश की पूरी कॉपी है जिसमें 17 पेज हैं और 17 पेज के ऊपर ये भी अंतिम पेज है, उस पर ये भी लिखा हुआ है कि 28/7 तक जो अधिकारी जिनके तबादला आदेश जारी हुए हैं इन अधिकारियों को अपने नई जिम्मेदारी को संभालना होगा। जी विमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।